प्रोसेस इज गोइंग टू बी फॉलोड इन राजस्थान, क्योंकि जहां तक हम ताजा खबरों की बात करें, ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि गहलोत और पायलट के बीच जो गहमागहमी मची हुई है उसको लेकर जुलाई 3 को जो है एक नतीजा जो है आ सकता है। राहुल गांधी की मौजूदगी में बताया जा रहा है कि एक अंतिम फैसला लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन होगा और 3 जुलाई को हो सकता है कांग्रेस पार्टी कोई फैसला इस बात को लेकर ले। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, लाइक आई सेड, स्टेट आफ्टर स्टेट, कभी छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कभी आप राजस्थान देख लीजिए, जो दो बड़े लीडर्स होते हैं, एक जिनका चुनाव हुआ है, एक जो पॉपुलर है, इनमें अक्सर एक टसल कांग्रेस के स्टेट्स में देखा गया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर कोई सोल्यूशन निकल गया तो कांग्रेस पार्टी वॉन्ट्स टू मूव ऑन कि चलिए राजस्थान में भी इस मसले को सुलझा लिया जाए। स्वाति, देखिए कि राजस्थान की सिचुएशन अगर आप कर्नाटका और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उनसे बेहद अलग है। देखिए, सचिन पायलट पहले क्या थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही थे राजस्थान के, उसके बाद देखा कि किस प्रकार से उनके जो साथी विधायक थे उन्होंने एक बगावत करी, उसके बाद सचिन पायलट पार्टी छोड़ के नहीं गए, वापिस पार्टी में आए, तो डिप्टी सीएम तो वो पहले से ही थे, तो क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट पर सचिन पायलट मानेंगे, यह थोड़ा मुश्किल इस समय कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट ने इस टाइम पूरा एक तरह से फ्रंट खोला हुआ है अशोक गहलोत के खिलाफ, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं और जिस पब्लिक मीटिंग में वो जाते हैं वो ये कहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, वसुंधरा राजे के राज के दौरान जब करप्शन की जो जो घटनाएं हुई थी, जो जो इंसिडेंट हुए थे, जो जो केसेस हैं, उस पर आप एक्शन लीजिए, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये मांग सचिन पायलट की है। एक तरह से वो पूरा ओपन वॉर जो है कांग्रेस पार्टी की टॉप ब्रास और अशोक गहलोत की बात करें उनके खिलाफ कर चुके हैं, तो क्या डिप्टी सीएम बनाने से सचिन पायलट मानेंगे, अभी ये बेहद ही मुश्किल लग रहा है। तो आखिरकार 3 जुलाई की मीटिंग में क्या होगा, क्या सचिन पायलट को कोई फॉर्मूला बताएगा, क्या राजस्थान में भी जो है ये पूरा मसला कांग्रेस सरकार सॉल्व कर पाएगी। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कीप ट्रैकिंग ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कमिंग इन, बट टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक।